सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं चार बहुत ही अमेजिंग और इनोवेटिव आइडियाज लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बनाएंगे पॉपअप की गन, फिर हम बनाएंगे मैचस्टिक से मिसाइल, नेक्स्ट हम बनाएंगे प्रैंक वाली पेन, और लास्ट में हम बनाएंगे मिसाइल लॉन्चर जो स्विच ऑन करने से लॉन्च होता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले पॉपअप की गन बनाते हैं जो पॉपअप को लॉन्च करती है। इसके लिए सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड पर गन को ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर देंगे। इसी तरीके से मैंने एक और पीस को कट कर लिया है। अब हम दोनों गन के पीस को एक दूसरे के साथ ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। दोनों को स्टिक करने के बाद हमारी गन कुछ ऐसी दिखेगी। नेक्स्ट हम नोटबुक पेपर लेंगे और इसे हम आधा कट कर लेंगे। पेपर को कट करने के बाद हम एक मार्कर लेंगे और इससे हम पेपर को रोल कर देंगे। नेक्स्ट हम पेपर पर ग्लू लगा करके इसे चिपका देंगे। तो ये हमारी पेपर की पाइप बन करके तैयार है। अब हम एक और पेपर लेंगे और इसे हम कॉर्नर से फोल्ड करना शुरू कर देंगे। इसे भी हम ग्लू से स्टिक कर देंगे। तो ये हमारी लंबी पेपर की पाइप बन करके तैयार है। अब हम दोनों साइड से इसे थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। नेक्स्ट हम एक प्लायर लेंगे और इससे हम पेपर की पाइप को फोल्ड कर देंगे। अब हम एक रबर बैंड लेंगे और इसे हम पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। तो अब सब कुछ तैयार है, सिर्फ इन्हें असेंबल करना है। असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम पेपर की पाइप पर ग्लू लगाएंगे और इसे हम गन के ऊपर स्टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम रबर बैंड वाली पाइप लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे। अब आगे की साइड जो एक्स्ट्रा पाइप निकल रही है, इसे हम कैंची की हेल्प से कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो हमारी गन एकदम अच्छे से वर्क कर रही है। अब हम इसका ट्रिगर बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक टूथपिक का पीस लेंगे और इसे हम कार्डबोर्ड की गन के अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट हम एक स्प्रिंग लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से फेविक्विक की हेल्प से चिपका देंगे। तो ये लीजिए, फाइनली हमारी पॉपअप गन बन करके तैयार है। और आप देख सकते हो हमारा ट्रिगर भी एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम एक पॉपअप लेंगे और इसे हम पाइप में डाल करके इसे शूट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा हमारी गन कितनी अच्छी तरीके से पॉपअप को लॉन्च करती है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अब सेकेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मिसाइल बनाएंगे, वो भी मैच स्टिक से। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फॉइल का पीस ले लेंगे। नेक्स्ट हम एक स्टिक लेंगे और इसकी हेल्प से हम एल्यूमिनियम फॉइल को रोल कर देंगे। तो ये हमारी फॉइल की पाइप बन करके रेडी है। अब हम इसके एक एंड को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसे फोल्ड करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हम मैच बॉक्स लेंगे और इसमें से हम मैच स्टिक का पाउडर निकाल देंगे। इस एक मिसाइल को बनाने के लिए हमें एक पूरे मैच बॉक्स का पाउडर चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने मैच स्टिक का पाउडर निकाल दिया है। अब हम एक पेंसिल की हेल्प से इसके ऊपर रोल कर देंगे ताकि ये मैच स्टिक का पाउडर एकदम फाइन पाउडर बन जाए। अब हम इसी में स्ट्राइकर का पाउडर भी मिक्स कर देंगे। अब इस पाउडर को हम मिसाइल में डाल देंगे कुछ इस तरीके से। सारा पाउडर मिसाइल में डालने के बाद हम एक स्टिक लेंगे और इसकी हेल्प से हम सारा पाउडर आगे की साइड पुश कर देंगे। नेक्स्ट हम एक फॉइल का पीस लेंगे और इसे हम ट्रायंगल शेप में कट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने और चार बना करके रेडी कर दिए हैं। अब हम इन्हें मिसाइल के नीचे कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों ट्रायंगल को चिपका दिया है और ये हमारी मिसाइल बन करके रेडी है। इसे लॉन्च करने के लिए हम इसमें टूथपिक डालेंगे। अब हम जैसे ही नीचे की साइड लाइटर को जलाएंगे तो ये मिसाइल की तरह लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा हमारी मिसाइल भी एकदम मस्त बन के रेडी हो गई थी। अब नेक्स्ट हम प्रैंक वाली पेन बनाएंगे। तो आइडिया ये है कि पेन के कैप को जैसे ही खोलेंगे वैसे ही बॉम्ब फटेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले दोरी बॉम लेंगे। ये वही बॉम है जिससे खींचने पर ये फटता है। नेक्स्ट हम कोई भी एक पेन लेंगे और इसके सारे स्पेयर पार्ट हम निकाल देंगे। पेन के स्पेयर पार्ट को निकालने के बाद हम दोरी बॉम को पेन में डालेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हो पीछे की साइड से बॉम का धागा निकल गया है। तो अब हम इसे फिट कर देंगे। पीछे से फिट होने के बाद हम एक्स्ट्रा दोरी को कट कर देंगे। अब नेक्स्ट आगे का निब वाला पार्ट भी हम दोरी को पास करके इसे फिट कर देंगे। नेक्स्ट हम कैप के टॉप में एक होल करेंगे और इस होल के थ्रू हम दोरी को पास करेंगे। अब आगे की साइड दोरी निकलने के बाद हम दोरी को फोल्ड करेंगे और इसे फेविक्विक से चिपका देंगे। तो ये लीजिए, हमारा पेन वाला बम बन करके तैयार है।
अब जैसे ही आप इसका कैप खोलोगे ये बम फटेगा, तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा इस पेन से आप अपने फ्रेंड्स को इजीली प्रैंक कर सकते हो और इसे बनाना भी इजी है। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट में हम बनाएंगे ऐसा मिसाइल लॉन्चर का सेटअप जिसे ऑन करने पर अपने आप ही मिसाइल लॉन्च होती है। तो इस मिसाइल लॉन्चर को बनाने के लिए हम सबसे पहले कार्डबोर्ड का पीस लेंगे। नेक्स्ट हम एक बैटरी लेंगे, आप इसकी जगह पर ये वाली बैटरी भी ले सकते हो। अब हम इस बैटरी को इस कार्डबोर्ड के ऊपर डबल साइड टेप की हेल्प से चिपका देंगे। नेक्स्ट हम एक स्विच लेंगे और इस स्विच के साथ मैंने ऑलरेडी दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस स्विच को भी बैटरी के साथ चिपका देंगे। नेक्स्ट हम एक स्विच के वायर को और बैटरी के वायर को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे जो दो रेड वायर दिख रहे हैं वो एक वायर बैटरी से कनेक्टेड है और एक स्विच से कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम एक यू पिन लेंगे और इसे स्ट्रेट करके बीच में से कट कर देंगे। अगर आपके पास ये पेपर क्लिप नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोई भी वायर यूज़ कर सकते हो। अब इस दोनों मेटल के वायर को हम दोनों रेड वायर से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम एक टूथपिक का पीस लेंगे और इसे हम कार्डबोर्ड पर चिपका देंगे। टूथपिक को चिपकाने के बाद नेक्स्ट हम धागा लेंगे और दोनों वायर को हम टूथपिक के साथ बांध लेंगे। इस पर हम फेविक्विक भी लगा देंगे ताकि एकदम स्ट्रांग हो जाए। अब लास्ट में हम मेटल स्क्रबर लेंगे जिससे बर्तन धोते हैं और उसमें से हम एक मेटल वायर को निकाल देंगे। अब इस वायर को हम टूथपिक के ऊपर जो दो वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेटल वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे एकदम रेड हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो ये लीजिए, हमारा मिसाइल लॉन्चर बन करके तैयार है। अब हम जैसे ही स्टिक पर मिसाइल रखेंगे और स्विच को ऑन करेंगे हमारी मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। तो चलिए अब इसे टेस्ट कर दें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आइडिया यूनिक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।